Good morning all of you. Myself J.S. Rawal from Thamra Education Institute. We will study in math of third standard chapter 3. Last day हमने chapter 3 में जो भी discuss किया था उससे हम आज आगे बढ़ेंगे. Last day हमने यहाँ तक हमने complete किया था chapter को. इससे आगे बढ़ते हैं. Find my food. यानी कि मेरे खाने को क्या करना है? खोजना है. ठीक है. ट्राई दिस ऑन किट्टूज होम. ये किट्टू का होम है, उसमें हमको उसका खाना खोजना है. हे आई हैव समथिंग मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू. तो क्या आप लोग इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग करना चाहेंगे? माँ टोल्ड मी देर आर स्वीट्स टू ईट इन सम रूम्स. यानी कि उसकी माँ जो है किट्टू की, वो उसको कुछ खाने के लिए कहती है. ऐसा कहती है कि किट्टू तुम्हारा जो खाना है वो ये जो यहाँ पर हमको घर दिखता है उसमें जो कुछ रूम है उसमें तुम्हारा खाना रखा हुआ है. हेल्प मी फाइंड दैट रूम. तो हमको क्या करना है, यहाँ पर किट्टू की जो रूम है उसमें जो खाना उसकी माँ ने रखा हुआ है उनको खोजना है. तो उसको हमको क्या करना है, खोजने में मदद करना है. खोजने में क्या करनी है, मदद करनी है. द आंसर्स फ्रॉम द नेक्स्ट पेज विल हेल्प यू फाइंड दैट रूम. मार्क देम इन माई होम. यानी कि यहाँ पर नीचे गए दिए गए जो ब्लैंक्स हैं उसको कंप्लीट करके उसमें जो भी आंसर आते तो हमको नेक्स्ट पेज पे उसकी जो होम में जो भी रूम दिए गए हैं उसको क्या करना है, टिक मार्क करना है. क्या करना है, टिक मार्क. ठीक है. तो आइए कैसे करेंगे, तो हम लोग शुरू कर दें. ए यहाँ पर ए शुरू कर दे. 10 less than 34 इज ब्लैंक. तो इसका आंसर कैसे लाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर जो पेज है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको कंप्लीट कर देंगे. ठीक है. यहाँ पर फर्स्ट क्या है, 10 less than 34 यानी कि 34 में से लेस, यानी कि क्या करना है, माइनस. ठीक है. माइनस 34 में से 10 करना है. तो 4 में से 0 जाएगा तो 4 रहेगा और 3 में से 1 जाएगा तो कितने रहेंगे, 2. इसलिए यहाँ पर ए में हमारा आंसर कौन सा आता है, 24. उसी तरीके से बी कर लेंगे तो क्या दिया गया है, 53 minus 20. तो 3 में से 0 जाएंगे तो 3 रहेंगे, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 रहेंगे. ठीक है. कैसे, तो ऐसे देखो यहाँ पर 5 है तो 1 2 3 4 5 लाइन कर देंगे, उसमें से 2 कट कर देंगे तो 1 और 2 कट हो गए तो कितनी बची, 1 2 3. इसलिए यहाँ पर 3 आएगा. ठीक है. ऐसे आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 33. ठीक है. वैसे ही 11 more than 31 इज ब्लैंक. यानी कि 31 में 11 क्या करने हैं, ऐड करने, यानी कि प्लस करने हैं. ठीक है. यहाँ पर मैं गिनती करता हूँ, 31 plus 11. ठीक है. तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 होगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 होगा. इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 42. ठीक है. नेक्स्ट पेज पे आ जाता है डी. कौन सा है, डी वाला. ठीक है. तो यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर डी में क्या कहा गया है, 11 less than 66 इज ब्लैंक. यानी कि 66 में से लेस, यानी कि 11 माइनस करने है. इसलिए यहाँ पर हम फर्स्ट 66 माइनस 11 कर देंगे ऐसे. तो 6 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 5. और 6 में से 1 जाएगा तो 5. इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर आता है 55. ठीक है. नेक्स्ट ई. 62 plus
थर्टीन इज इक्वल टू ब्लैंक, यानी कि 62 में 30 क्या करना है, ऐसे हमको ऐड करना है। नीचे मैं करता हूँ वैसे, ठीक है। 2 में हम लोग 3 ऐड करेंगे तो कितने बचेंगे, कितने आएंगे 5, ठीक है। और 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर आता है 75। F अभी कौन सा है हम लोग, F तो उसमें क्या करना है, 23 लेस देन 89 इज ब्लैंक, यानी कि 89 में से 23 हमको लेस यानी कि माइनस करना है। कैसे, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ वैसे, ठीक है। 89 माइनस कितने करने हैं, 23। तो 9 में से 3 जाएंगे, ठीक है। कैसे, ऐसे पहले 9 हम लोग ऐसे लाइन कर देंगे, 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन कर देंगे, उसमें से 3 लाइन कट कर देंगे, 1 2 और 3, ठीक है, लास्ट वाली 3। तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 9 में से 3 जाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 8 में से 2 जाएंगे तो कितने रहेंगे, 6, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाता है 66। ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, गिनती करके ये जो ब्लैंक है वो कंप्लीट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, 10 एंड 40 मोरीज, यानी कि जी में क्या करना है, 40 जो है उसमें 10 ऐड करने है। तो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाता है 50, ठीक है। उसके नीचे H 9 एडेड टू 28 गिव्स ब्लैंक, यानी कि 28 में 9 ऐड करेंगे तो कितने आएंगे, यहाँ पर हम लोग वो कंप्लीट करते हैं, तो 28 प्लस 9, तो 8 में 9 ऐड करेंगे तो कितने हो जाते हैं, 8 के बाद हम लोग 9 ऐड करेंगे, 8 के बाद की गिनती करते हैं, तो 8 के बाद यहाँ पर 9 पे पहले काउंट कर लेते, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक आते हैं, तो हमको ये याद रखना है। और 8 के बाद की गिनती शुरू करते हैं, 8 के बाद क्या आता है, 9 ऐड करेंगे तो कितने होते हैं, 70, ठीक है। तो 17 का यहाँ पर 7 रख देंगे और 1 2 के ऊपर जाएगा, तो कितने हो जाते हैं, 37, कितने होते हैं, 37, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 37, ठीक है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं, I द सम ऑफ 9 एंड 44 इज ब्लैंक, यानी कि 44 में हम लोग 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि सम यानी कि प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। ये वाला जो सम लिखा है, यानी कि 44 में 9 क्या करना है, प्लस। तो यहाँ पर आई हम लोग शुरू करते हैं, 44 प्लस 9, तो 9 में 4 ऐड करेंगे तो कितने आ जाते हैं, 30। तो 30 का हम लोग 13 का 3 नीचे रखेंगे और 1 जो है दूसरा 4 है इस साइड उसके ऊपर रखेंगे, तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो कितने हो जाते हैं, 5, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा आता है, आई में 53। वैसे ही हम लोग जे का करेंगे, रिड्यूसिंग 98 बाय 34 गिव्स ब्लैंक, यानी कि जे में क्या कहा गया है कि 90 ए में से रिड्यूसिंग यानी कि कम करना, यानी कि 98 से 8 में से 34
क्या करेंगे, रिड्यूस माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 98 माइनस 34 यानी कि 8 में से 4 जाएंगे तो कितने रहेंगे 4, और 9 में से 3 जाएंगे तो कितने रहेंगे 6, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 64। अभी के आ गए, ठीक है, तो क्या करना है उसमें 4 एंड 37 मोर इज ब्लैंक, यानी कि 37 में 4 ऐड करना है, क्या करना है ऐड यानी कि प्लस करेंगे, तो ऐसे 37 प्लस 4, ठीक है, तो 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगी, 11 का 1 यहाँ पर रखेंगे और 3 के ऊपर 1 जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 41। ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं, एल टेक 35 अवे फ्रॉम 83 वी गेट ब्लैंक, यानी कि 83 में से 35 क्या करने है, लेस करने है, ठीक है, तो कितना आएगा, तो आइए हम लोग वो चेक करते हैं, 83 माइनस 35, ठीक है, तो क्या करना है हमको 3 में से 5 क्या करना है कम करना है, यानी कि बात करना है, इसलिए यहाँ पर 3 में से 5 नहीं जाएगा, तो हम यहाँ आगे से हमको क्या लेना पड़ेगा, दशक लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हो जाते हैं एक कम करेंगे तो यहाँ पर 8 के ऊपर 7 आ जाएगा और 3 में 10 ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है, और 30 में से अभी हमको 5 क्या करने है लेस करने है, तो 30 में से 5 लेस करेंगे तो कितने आ जाते हैं 8, 5 के बाद से हमको गिनती करनी है 30 तक, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 8, और 7 में से 3 बात करेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर कितना आता है 48। यहाँ पर हमने ब्लैंक्स में जो भी आंसर लाए हैं उसको क्या करना है, ये जो किट्टू के घर के रूम से उसमें क्या करना है टिक करना है, ठीक है, पहले 24 यानी कि यहाँ पर खोजना है 24, तो उसको यहाँ पर ऐसे टिक करना है 33, तो यहाँ पर हमको 33 खोजना है, ऐसे 42 तो यहाँ पर 42 पे टिक करेंगे, वैसे ही 55, फिर 75, उसके बाद 66, 50, फिर 37, 53, 64, 41 और लास्ट में है 48, ठीक है, ऐसे आप लोगों को कंप्लीट करना है। आज हम लोग इसमें चैप्टर 3 में इतना ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट डे इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, थैंक यू।